नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी सपने के बारे में नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रह सकें। तो आइए दोस्तों जानते हैं बसंत पंचमी आखिर क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म में हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। और इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2022 में 5 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती या शारदे की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें संगीत की देवी के नाम से भी जाना जाता है। देश के कई हिस्सों में बसंत पंचमी का पर्व विधि विधान से मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके विभिन्न नामों के बारे में भी जानते हैं। बसंत पंचमी का पर्व मनाने के पीछे पौराणिक कथा क्या है, तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मानव रचना के समय पृथ्वी लोक मौन था। पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं थी। ऐसी शांति देखकर त्रिदेव हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वे सृष्टि की रचना से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था इसमें किसी चीज की कमी रह गई है। इसी के चलते पृथ्वी पर मौन व्याप्त था। तभी ब्रह्मा जी ने शिव जी और विष्णु जी से आज्ञा ली और अपने कमंडल से जल अंजलि में भरकर कुछ उच्चारण किया और पृथ्वी लोक पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उस जगह कंपन शुरू हो गया और उस स्थान से एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। एक शक्ति रूपी माता के एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ तथास्तुर की मुद्रा में था। इतना ही नहीं, उनके अन्य दोनों हाथों में एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला थी। माता को देखकर त्रिदेवों ने उनको प्रणाम किया और उनसे वीणा बजाने की प्रार्थना की। त्रिदेवों की प्रार्थना के बाद माँ ने वीणा बजानी शुरू कर दी, जिससे तीनों लोकों में वीणा का मधुर नाद शुरू हो गया। इससे पृथ्वी के सभी जीव जंतु और जन भाव विभोर हो गए और उस समय त्रिदेवों ने माँ को शारदे और सरस्वती, संगीत की देवी का नाम दिया। माँ सरस्वती के अन्य नाम कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। माँ सरस्वती के अन्य नाम त्रिदेवों के द्वारा दिए गए हैं। उन्हें माँ सरस्वती, माँ वीणावादिनी, माँ शारदे, माँ बागेश्वरी, माँ भगवती और माँ वाग्य देवी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, ज्ञान बढ़ता है। माँ सरस्वती को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले वस्त्र धारण करने का भी विधान है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। व्यक्ति जीवन की हर सफलता हासिल करता है, समृद्धि और वैभव जीवन में आता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।